तो यस इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी हो फक Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely wonders in your life by being thankful to God for whatever you have in your life. अभी देखिए मैं ये पहन के सोता हूँ ना ये दो और भी एक चीज़ रहता है हमारा ये वाला जो है सोने का चैन this has been gifted by dad. ये रुद्राक्ष जो है मम्मी ने पहना अभी ये इसमें फंस गया तो अभी ये गोल 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 ऐसा ओलम झोलम होगा तो अभी बज रहा है 3:09 आज 13 तारीख हो गया 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्या बात है ये तो बहुत ही ज़्यादा है और अच्छा है हमारे लिए बहुत अच्छा है ये जो सामान आप देख रहे हैं दिस इज़ द एम्पलीफायर और ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो का बॉक्स है ऊपर उसके टाइप कवर का बॉक्स है ये मेरे नोटेड का बॉक्स है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बॉक्स है तो ये सारा बॉक्स और ये चीज़ जो है दिस इज़ इंटेक्स का 5.1 होम थिएटर इसका 5 बॉक्सेस जो है उधर रखा है मैंने तो इसको मैं ले जा रहा हूँ क्लास अपने स्टोर रूम में रख लूँगा क्योंकि ये जो हमारा टीवी यूनिट है ना उसके बीच में ये जगह है तो यहाँ पर रखा था सामान को तो क्या अभी कभी वाईफाई को स्विच ऑन ऑफ करना होता है या कुछ भी सारा बोर्ड मैंने उधर बनवाया तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग ताकि ये जगह खाली हो जाए बेसिकली और बैटरी भी ऑलमोस्ट चार्ज हो गया है चलिए क्लास चल के उसका बदल भी देते हैं 3:09 हो रहा है मैं अभी उठाऊँ लेकिन आप जानते हैं पहला पार्ट आज का व्लॉग का 2 पार्ट हो गया है पहला पार्ट आप देखिए उसमें बहुत सारा मस्ती हुआ है जिसमें कि मैंने बताया है कुछ चीज़ें कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो कैसे है आपको तुरंत मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट एंड सेकेंड पार्ट बिग बास्केट वाले आए थे ही इज़ मतलब बेसिकली एक्टिंग सो ग्रेट तो अभी मुझे ये बैग पैकअप करना है देखिए पूरा सामान जो है FZ वे में रखा हुआ है FZ नहीं बस सामान बाहर निकला ये इधर भी सामान है मेरा कुछ आई विल बी गेटिंग रेडी और वो देखिए उधर से आवाज़ दे रही है अरे खाना खाना ऐसे कैसे बोल रही है रुको अरे खाना को खाओ ना खाना जो बना रहता है तो अरे खाना का खाओ ना जो बना रहता है एक बार बोलो खाना को खाना और आज का व्लॉग वगैरह भी अपडेट कर देना है उधर ही चल के तो चलिए लेट्स गो एंड देखते हैं खाने में क्या है खाने में है दिस इज पनीर व्हाट इज दिस पनीर चटनी अभी मैं बहरा नहीं हुआ मैं प्रिटेंड कर रहा था पनीर मखनी एंड वंडरफुल पराठा एंड द अचार इट्स नॉट जस्ट द पराठा इट इज लच्छा पराठा क्या बात है तो लच्छा पराठा एंड पनीर मखनी तो ऐसा कुछ चल रहा है तो यस गाइस चलिए अभी इसके बाद देखते हैं क्या होता है Done with the food, having the tea now. Gazab and the paratha was gazab. मतलब खाने में भी मजा आ रहा था और टेस्ट तो गजब ही था. That was a great munching. Yes. So the time update is 3:40 PM and I am ready. मेरा जो वो फंस गया था आपको मालूम ही है ये जो हमारा जड़ी जंतर है मैंने दिखाया था उसको इसने सुलझाया दिस मैथमेटिशियन ह्यूज मैथमेटिशियन ने और इसने मेरे बाल मूछ में नहीं लगाई झूठ मत बोल तो इधर दाढ़ी और इधर ये सब जगह जो है सिरम वगैरह लगा दिया और आई एम रेडी मैंने बैग पैक कर लिया बैग खरीदना है एक यार देख रहे हैं अभी ढूंढ रहे तलाश जारी है जिसमें कि मतलब मैं लैपटॉप सारे कुछ को टू गिफ्ट यू आस्क योर पैंट्स टू गिफ्ट यू चलो चाचा कर दो ये दीपक कलाल सी इज दीपक कलाल की फैन चलो चाचा कर दो हाँ तो मैं अभी अभी क्या है आई एम नॉट दैट ह्यूज यूट्यूबर बट आने वाले दिन में आज उसने खाया जालीदार बेसन एक दीपक कलाल जी ने वीडियो डाला है उन्होंने जालीदार बेसन का चीला बनाया आप लोग भी देखे तो एंजॉयड इट वी बोथ एंजॉयड इट अ लॉट तो चलिए अभी चला जाए चलो चाचा कर दो इधर देखो
चलो ये बाय बोल रही है, अभी चलता है क्लास और देखते हैं कितने कितने लोग आते हैं क्या करते हैं। बेसिकली इसको जो है ना व्लॉग में मेरे दिखने का बहुत शौक हो गया, इसलिए मेरा पीछा कर रही है। देखिए ये ऐसी है, तो नहीं नहीं साथ में आना होगा वहाँ तक। तो ये सामान आपने देखा ही था जो मैंने बोला उसको ले जा रहा हूँ क्लास, सो दैट्स व्हाई शी इज हेल्पिंग मी। वो सारा ये मैंने कोई सेंट्रल से शॉपिंग नहीं किया है। एक लड़की आपको कैसा बैग दे सकती है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वगैरह का वो है अपना बॉक्स वगैरह। तो यस अभी सो हमारी शर्माने वाली शर्मिली राइट, एंड स्पेशल थैंक्स टू श्रेष्ठा फॉर हेल्पिंग मी विद दी स्टफ, मतलब सामान नीचे लाने के लिए। और मैंने इसको नोटेड का जो है दिखा, नोटेड का बॉक्स इधर दे दिया क्योंकि घर में कभी एक्सचेंज वगैरह, हालांकि घर ऑफिस तो एक ही है। चलो टाटा, तो बस अभी चला जाए, भागा जाए, एक्चुअली एक काम तो करना रह ही गया। और ये गाड़ी वाले तो सफाई नहीं कर पा रहा, कोई नहीं चलिए अभी मिलते हैं क्लास में। Time is 3:57 PM and I have reached 3 minutes earlier. This is very much required in my life. I want to make this change in my life कि I reach everywhere on time. तो yes, अभी सबसे पहले इस बैटरी को, इस घड़ी को बैटरी लगा कर उधर सेट करते हैं और उसके बाद सीमा जी आ रही है उनसे मिल लेते हैं, धनवी धनवी नहीं यशवी आ रही है उनसे भी मिलते हैं, और फिर किन से मिलते हैं, विहान आ रहा है उनसे भी मिलते हैं। तो yes. हाँ आई एम लिसनिंग, कम ऑन। हाँ तो मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे आगे बढ़ना है बराबर। सो द टाइम इज 8:13 एंड वी हैव द टॉल लेडी सर अदिति। अभी अदिति से बहुत बहुत सारा कुछ बात हो रहा था, तो अदिति वुड लाइक टू से समथिंग, क्या बोलेंगे आप, और अपने वायलिन से रिलेटेड भी बता दीजिए क्या आपका प्लान है, और इधर बोल दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए पूरे जिंदगी के लिए। नो आई रियली वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, आई इतना लंबा ब्रेक हुआ एंड नाउ आई थिंक आई रियली टुडे सेशन एक्चुअली आई रियली एंजॉय इट, यू नो आई थिंक यू आर आल्सो लाइक अ लाइफ कोच, सो यू शुड स्टार्ट अनदर ब्लॉग ऑफ दैट। सीरियसली अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, अ लॉट ऑफ अस हु गेट कंफ्यूज्ड इन द होल थिंग ना ऑफ हाउ टू टेक म्यूजिक, कभी कभी व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग एंड यू डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग, यू विल नीड दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। सो सीरियसली आई एम टेलिंग यू स्टार्ट दैट। चले थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट एंड या विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर 110%। ये मैंने कमिटमेंट कर दिया। हां अब आपका कहां था ना, आपने द डे आई लूज मोटिवेशन आई हैव टू वॉच योर ब्लॉग कि हां आज के लेसन के लिए क्या पढ़ना चाहिए कैसे करना चाहिए। और अभी ये आप लोगों से कुछ बातें कर रही हैं वो है कि अपने वायलिन से रिलेटेड, तो यस बताइए अगले साल तक आप क्या किस जगह देख रहे हैं वायलिन में खुद को। आज जो है उससे ज्यादा होगा, नहीं मेरा एक्सपीरियंस था कि अभी कहीं पे प्ले करना था एंड आई कुडंट गैदर द करेज आल्सो। हां सो आफ्टर 1 ईयर यू टेल मी व्हेरेवर आई हैव टू प्ले नाउ, क्या बात है, दैट इज नॉट क्या बात, दिस इज सो इंस्पायरिंग। एंड सी इंस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड, एंड देखिए इतना बड़ा एकेडमी नहीं है इस वक्त भी कोई नहीं है। 6 बजे 6:15 या 6:30 को ही मैंने सारा लेक्चर, 4-5 लोग थे उनका ख़त्म कर दिया। इस जगह पे कम लोग ही हों लेकिन समझदार लोग हों, दैट इज़ व्हाट आई नीड एंड अदिति इज़ वन ऑफ देम। सो यस अभी मैं सरस्वती माँ ब्लेस हर और मैजिक होने वाला है, अभी बने रहिए व्लॉग में और इनका जादू देखते रहिए वायलिन के थ्रू। सो दैट्स अदिति द टॉल गर्ल, यू ऑल कैन कमेंट इट ऑल्सो। तो ठीक है चलो चलो अदिति आई विल सी यू। So the time update is now 9:09 PM वहाँ पर है जानवी, वो कर रही है क्लास से पिक एंड सीट, नहीं दिख रहा है तो उनको मैं जल्दी से दिखाता हूँ। जानवी इधर क्लास कर रही है और मैंने लिफ्ट को ऑलरेडी बुला लिया है 0 फ्लोर से, तो कर लेते हैं लिफ्ट को नीचे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वॉचमैन साहब को तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से चला जाए भागा जाए देखा जाए। तो अभी आई है 2nd फ्लोर पर लिफ्ट, तो मैं लाइट भी ऑन करता हूँ। तीसरे पे आ गई है, चौथे 5वें पे आने से पहले आई हैव टू स्टार्ट इट,
चलो देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी कर पाते हैं या नहीं. पांचवे पे तो आ गई हूँ. यस आई एम ऑन टाइम. तो यस इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी हो फक एंड हो गया एक कांड. बेसिकली लिफ्ट फंस गई है और मैं भी फंस गया हूँ सामने. ये देखो लिफ्ट में मैं फंस चुका हूँ इस तरीके से. अब देखते हैं क्या होता है. सो बेसिकली ये स्कैरी सा हो गया थोड़ा. ये देखो इस तरीके से लिफ्ट में हम फंस गए हैं. और अभी मोहन जी को कॉल नहीं लग रहा था तो मैंने जानवी को कॉल किया है. वो देखो इस तरीके से लिफ्ट आवाज़ कर रहा है. तो जानवी जो है मोहन जी को इन्फॉर्म कर रही है और अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है. और लिफ्ट में फंस गए हम. अब जो भी होगा आप हमारे साथ व्लॉग में बने रही. अब नो वरीज. सो बेसिकली द टाइम अपडेट इज 9:16 और हमारे लिफ्ट जी महाराज जो हैं वो धड़ धड़ आवाज़ कर रहे हैं. तो इस तरीके से मैं फंस गया हूँ. तो मोहन जी से अभी बात हुई. हमारे जो वॉचमैन है वो अभी आ रहे हैं और देखते हैं अभी क्या कैसे होता है. कोई नहीं होता है. तो अभी मोहन जी का कॉल आया. अभी वो बोल रहे हैं कि वो लिफ्ट बंद करेंगे और फिर से ऑन करेंगे और देखते हैं क्या होता है. तो बेसिकली बने रहिए. वो देखते हैं कितने देर तक अंदर फंसे रहते हैं. अभी तो मैंने गाड़ी वगैरह सब बंद कर दिया है. गर्मी हो रही है थोड़ी लेकिन मैंने अभी जो है एसी चलाने का नहीं सोचा है. तो यस जो भी होगा देखते हैं. सो बेसिकली ये लोग आए हैं और मैं कुछ तो एहसास कर रहा हूँ. कुछ तो आवाज़ आ रही है. ये खोल रहे हैं और ये देखो इस तरीके से खोला मोहन जी ने लिफ्ट. आजा बाहर. और पीछे हैं ये इसका यही सेंसर में गड़बड़ी हुआ. आप निकल जाओ सर. गाड़ी को छोड़ दो कर लाएगा लिफ्ट वाला. निकले गाड़ी रहने दो. तो गाड़ी यहीं छोड़ना है. गाड़ी आप क्या करेंगे. तो ऐसे मैं ट्राई करता हूँ एक बार लिफ्ट बंद करता हूँ. हाँ एक बार ट्राई कीजिए. अगर निकल निकल जाऊँ इसके लिए तो मैं चालू बंद नहीं कर रहा था ना. वो झटका मारेगा. अच्छा जब बंद लाइट इसका जाएगा ना तो थोड़ा जंप करेगा. अच्छा ठीक है तो मैं निकलता हूँ. हाँ मैं निकलता हूँ. तो ये हुआ हाल हमारा. हुआ लोग ऐसे हैं. चलो अब निकलते हैं. ये कर लेते हैं हम शीशे को कर लेते हैं बंद. ज़्यादा सामान हमने लिया नहीं है तो बस चला जाए. गियर में भी लगा लेते हैं लोग. तो मैं निकल रहा हूँ भाई अभी कार से. क्या बात है. अच्छा हुआ उस तरफ मैंने थोड़ा जगह रखा. लेकिन ऐसा तो रोज ना आता है. नहीं नहीं वो एक साइड दरवाजा जोर से पकड़ के खड़े हो. ऐसा कुछ नहीं है. सच में. तो मतलब क्या है कि गाड़ी उस तरफ ज्यादा लगा हुआ है. तो इन लोगों का कहना है कि ऐसा दब गया. लेकिन रोज तो ऐसा ही आता है. लेकिन चलो कोई बात नहीं है. चलो अभी रहने देते हैं हमारे मोहन जी. इस हालात में ये मतलब देखने वाला ये चीज़ होगी. और ये सोसाइटी वाले को भी देखना चाहिए कि इतना पैसा लेते हैं ये डी डेफिनेटी वाले. और ऐसा खंडड एक साल से मतलब ये लिफ्ट फंसता है. माँ की आँख अभी क्या ही बोले. छोड़ो था ये ब्लॉग है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता. हम लोग बिहारी लोग हैं. बोलने लगेंगे तो मतलब अभी पता चला. तो ये अब हम निकल गए लिफ्ट से बाहर. ये चाबी ले और हमारी कार जो है लिफ्ट को बंद कर ऐसे फंस गई. जाओ लाइट ऑन कर. इधर लाइट नहीं. इधर लाइट नहीं. 1 मिनट के बाद चालू कर. 5 मिनट के बाद चालू कर. कार हो गई बंद.
वो अटैची है ना, उसमें कल सुबह मैं सब हाँ हाँ ठीक 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 अभी एक बार ट्राई किया जाएगा, लिफ्ट बंद होगा फिर चालू होगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो कार रहेगी अंदर, कल निकलेगी, मैं चाबी देके जाऊंगा मोहन जी को। तो फिर से स्टार्ट तो किया गया है लिफ्ट को बंद करके, वो देखिए एक छोटा सा जो लाइट दिख रहा है ना ये, हाँ तो तीन पे गया शायद, तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, कुछ जो भी अपडेट होता है देते हैं अभी आप। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस, मतलब आज तो आप वैलेंटाइंस डे है ना, मतलब ये 13 तारीख है लेकिन आप देख रहे होंगे 14 तारीख को। तो हमारा पैतरा जो है वो चल नहीं रहा है, मैंने चाबी सौंप दिया है हमारे मोहन जी के हाथ में, और कल सुबह कितने बजे आता है? 10 बजे आएगा। 10 बजे आएगा, क्या नाम है बंदे का? पवार, पवार करके एक बंदे हैं, वो आएंगे सुबह 10 बजे, उसके बाद होगा फिर यहीं रुका हुआ है दाया ही है नीचे। और ये यहाँ पे खोल दिया तो चला गया, यहाँ पे लिफ्ट इसने 0 नहीं दबाया, तो चलिए ऐसा कुछ काम हो गया, कोई नहीं अभी ये ऐसा होना था तो हुआ, पहली बार ही हमारे साथ हुआ, अभी तक सिर्फ मोहन जी से जो है हम किस्सा सुनते थे, मोहन जी आपको इधर दिख रहा ना आईने के थ्रू, इधर मोहन जी से बस अभी तक किस्सा सुन रहे थे, और आज ये सच हो गया, और ये मोहन जी के साला बराबर बोलते थे कि रात में गाड़ी जल्दी निकाल लो, नहीं तो रात में अकेला मैं किधर किधर दौड़ूंगा। अपने तो ये 2-3 आदमी है तो ठीक भी है, मतलब ये सुबह जा रहे हैं गांव। अच्छा, क्या बात है, ये कल गांव जा रहे थे, नहीं तो पता चला मनोज जी अकेले रह जाते। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं ऊपर, करते हैं गाना रिकॉर्डिंग और फिर निकलते हैं घर। चलो मनोज जी ठीक, कल 10 बजे मैं भी आ जाता हूँ, आप ही आ जाइए ना, अच्छा रहेगा ना, 10-11 बजे आ जाइए। लेकिन वो आएगा ना पक्का, ऐसे पक्का वो आएगा ना, ऐसे निकाल के रखवा दीजिएगा, किधर किधर रखवाएगा गाड़ी? बेसमेंट में रखवा दीजिए। ठीक, मैंने दो ही तीन माला पर सामने करवा देता हूँ। ठीक है, जैसा भी जो रहे, यानी तो नीचे ही करवा दो सीधा। ठीक है, चलो फिर मोहन जी बाय। तो अभी ये सब हो गया, थोड़ा कांडू गिरी, अभी क्या करें, अभी चलिए चलते हैं वापस, अभी क्लास अपना रिकॉर्डिंग भी बाकी है, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मेरा वैलेंटाइंस बन गया मेरा लिफ्ट। और ये जानवी जो है ये थोड़ा डर रही थी, ये बाहर निकलो बाहर निकलो, ओ माय गॉड, ये लॉकिंग यूं ऐसे पकड़ पुश करके खड़े। हां ओके ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने से जरा हमारा दृश्य। I love this denim. Oh, yes. पाँचवें तो पहुँच गए, इधर का लिफ्ट खुल गया, आई एम ग्लैड इधर का लिफ्ट नहीं फंसा, और हमारे सलून जी रेडी हो गए बेसिकली। तो बेसिकली अभी जो है मैं शूटिंग कर रहा हूँ गाने का, और अभी जो मेरा मेरे बाल का हालत है वो कुछ इस तरीके से है, और शूटिंग चल रहा है, और जानवी ने बोला कि आपके बाल कैसे हो गए, कंघी कीजिए, तो मैंने पूछा कंघी है, तो इसने बोला कंघी है, तो ये कंघी लाई, ये देखिए, हम लोग इसको बोलते हैं कंघई, हमारे नाना जी कंघई बोलते हैं इसको, कंघई, और हमारी मम्मी को जो हमारे नाना जी बोलते हैं नुनिया, तो वो बोलते हैं कि नुनिया तंटक कंघई दी हैं, और ताखा होता है, तो हमारे नानी घर में बेसिकली 3 रूम है, एक है बीच वाला रूम, एक है एक किचन रूम वाला है, और एक पूजा रूम वाला है। तो हमें याद है बचपन की यादें कि नाना जी बोलते थे नुनिया बिचला घरो के ताखा पछाओ कंघा है तंटा देनी, तो दिस इज़ आर अंगिका लैंग्वेज, ताखा इज़ बेसिकली वो जो खिड़की के जो नीचे जाता, खिड़की एंड है वहाँ पर नीचे जो थोड़ा जगह रहता है ना, आपको मालूम है जानवी क्या होता है? हाँ, तो अभी देखिए बेसिकली सेल्फी कैमरा जो है दैट इज़ एक्टिंग एज अ मिरर, सो आई हैव अ डिजिटल मिरर। किससे? आई डोंट थिंक, नहीं वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आई एम ओके विद दिस। तो पहली बार जो है हमने जो है अभी तक 150, बाय द वे दिस इज़ 150th रिकॉर्डिंग, तो आज 150th रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ, तो आज हमने पहली बार कंघी किया, दैट्स आर सेटअप, एंड दिस इज़ कैमरा पर्सन, दूसरा कंघी लिए हुए, इसका जो दांत है वो थोड़ा दूर दूर पे है, ये वाला जो है ये बहुत ही
नज़दीक पे, ये जो इसको हम लोग ढिलाहा कंघी बोलते हैं, तो आई डोंट थिंक ढिलाहा इज़ बेसिकली, ये भी एक मेमोरी है, हर एक माल में 5 रुपए में ढिलाहा कंघी होता था, मम्मी जो है पूरा ऐसा रगड़ रगड़ के खींचती थी हमारे बाल को इसमें, फिर वो वी सेड जू काइंड ऑफ, मतलब इतने उससे भी पतला वो होता वो, तो समथिंग। चलिए ये थोड़ा कंघी का एपिसोड आज हो गया, तो नाउ आई एम शूटिंग ये हवाएं जुल्फों में तेरी, अभी इसको शूट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं, फिर देखते हैं जो कुछ भी होगा, बने रहिए। द टाइम अपडेट इज़ 11:07 एंड गॉट डन विद द रिकॉर्डिंग ये हवाएं जुल्फों में तेरी, तो दिस बिकेम 150th सॉन्ग एंड आई नो कि आई एम नॉट अ वेरी परफेक्ट सिंगर, बट हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव इज़ लाइक चैलेंजिंग माई सेल्फ कि मुझे डेवलप करना, और आई हैव चैलेंज माई सेल्फ कि 1000 सॉन्ग जिस दिन मेरा कम्प्लीट होगा उस दिन आई विल बी लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा अच्छे सिंगर के राह पे मैं चलना शुरू करूँगा, तो यस दिस इज़ जस्ट माई ओन डेवलपमेंट को खुद से देखना है। और ये रही जाह्नवी, जाह्नवी को बेसिकली मुझे हाई फाई दे रही थी, तो क्या हुआ ना कि हाई फाई देने के चक्कर में मैंने इसको ऐसा किया और इसने मेरे रुद्राक्ष के पास मारा और इसके हाथ में क्या हुआ दिखा, लग गई और ऐसे लग गई कि मतलब ग्रीन सा हो गया। मैंने बोला भाई ऐसा क्या, तो चलिए अभी आज तो कार हमारा देख ही लिया आपने कहाँ फंस गया है, तो आज देखते हैं अभी जाह्नवी मुझे घर छोड़ेगी या क्या होगा, अभी कैसे जाना है वो भी देखते हैं। चलिए पांडुरंगवाड़ी जाना है, फिर उधर से आना है यहीं पर, ठीक है। तो आज बहुत दिनों के बाद रिक्शा पे बैठना पड़ा, गाड़ी फंस गई है हमारी लिफ्ट में और हाल हो गया है कुछ ऐसा। अब तक क्या होता था, पकड़ जाह्नवी, अब तक ये होता था कि जाह्नवी को मैं घर छोड़ता था, लेकिन आज क्या हो गया भैया, लाइट है आपके पास, जलाइए ना, क्या बात है, थोड़ी सी रोशनी हमें मिली। तो अब तक जाह्नवी को मैं घर छोड़ता था, आज जाह्नवी हमें घर छोड़ेगी और ये फिर आएगी, तो मैं फ़ोन दे दूंगा जाह्नवी को, सी विल बी एंडिंग द व्लॉग। तो यस ऐसा चल रहा है हमारा रिक्शे का राइड, तो यस बने रहिए और अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगी, यस प्लीज डोंट गाइस बाय। तो यस गाइस अभी चला जाए, ऐसा कुछ रहा आज का सफ़र, अलग सा दिन रहा, सो दैट्स व्हाई आई से एवरी डे माई कंटेंट इज़ माई रियल लाइफ, माई डेली लाइफ, हर दिन जो कुछ वो भी होगा वो आप देखेंगे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम टाइम टू वॉच दिस वीडियो। ये मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, बस आपको अगर ये हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो बस आपको जो सही लगे, अगर लाइक करना है तो लाइक करें, कमेंट करना है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करें, अगर डिसलाइक करना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी करें, डिसलाइक क्यों कर रहे हैं वो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, आई ट्राई डूइंग समथिंग बेस्ट वॉट एवर आई कैन। तो यस गाइस और ये हमारे जनाब भौंक रहे थे, तो चलिए आई हैव रीच्ड होम और हमारे रिक्शा का नंबर है MH47C4838, मेमोरी बनाने का, और आज पहली बार मुझे जाह्नवी ने घर छोड़ा, मैंने इसको घर नहीं छोड़ा, तो आज मैं बाहर हूँ और मैं बोल रहा हूँ बाय बाय बाय, चल जाओ अंदर जाओ मीट के लिए। चलो बाय 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 प्रीतम, फास्ट फूड के पास छोड़ दो, चलो बाय। तो यस इस तरीके से आई हैव रीच्ड होम, आज जाह्नवी ने मुझे ड्रॉप कर दिया, तो बस अभी चलिए ऊपर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। बात हो गई ये कि आज हमने खुद से गेट नहीं खोला, श्रेष्ठा ने मेरे लिए गेट खोला, तो यस गाइस आई हैव रीच्ड होम हो गए, सो मैं अब अभी अपना क्रॉक्स खोल लिया और श्रेष्ठा देख रही है बहुत ही अद्भुत मूवी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे राइट, तो ये मूवी चल रहा है। सो द टाइम इज 11:22 26° अनहेल्दी एंड सेंसिटिव टेम्परेचर इट इज़, 13 तारीख हो गया आज बुधवार है। So yes guys, that was all for this vlog. Tab tak ke liye keep spreading love and happiness. Ignore negative people and their negative vibe. Accept positive people and positivity in your life. Have faith on Almighty. Be thankful to Almighty for whatever you have in your life. And yes, dream and keep chasing it. Keep questioning yourself ki aap jis cheez ko bhi chah rahe hain, jis cheez ka bhi aap sapna dekh rahe hain, kya aap us cheez ko literally deserve karte hain? Kya aap us cheez ke liye itna mehnat kar rahe hain? So yes, I'll see you in the next vlog and in hashtag Shreya Shandilya Live, tab tak ke liye tada.
श्रेष्ठा श्रेष्ठा नो आई एम सो सॉरी